इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। हाथरस मामले में हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। बड़ी जानकारी से हम रूबरू करा रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। पीड़ित परिवार के 5 सदस्य लखनऊ रवाना हुए हैं। हाईकोर्ट की सुनवाई में पीड़ित परिवार को शामिल होना है और उसी के लिए पीड़ित परिवार लखनऊ रवाना हो चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है और इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीड़ित परिवार के 5 सदस्य लखनऊ रवाना हुए हैं। हाईकोर्ट की सुनवाई में शामिल होने के लिए पीड़ित परिवार रवाना हो चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हाथरस मामले में हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है और उसी को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में ये सुनवाई जिस तरह से होगी, पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पीड़ित परिवार के 5 सदस्य लखनऊ रवाना हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट की सुनवाई में शामिल होगा पीड़ित परिवार, जिसके लिए लखनऊ रवाना हो चुका है पीड़ित परिवार। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। उधर हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अहम सुनवाई आज होगी। कोर्ट ने प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों को इसको देखते हुए तलब किया है। पीड़ित परिवार भी कोर्ट में ही मौजूद रहेगा। ये बड़ी जानकारी से रूबरू हम आपको करा रहे हैं। कोर्ट ने प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों को तलब किया है। पीड़ित परिवार भी कोर्ट में ही मौजूद रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे यह सुनवाई होगी हाईकोर्ट में, जिसके लिए पीड़ित परिवार रवाना भी हो चुका है लखनऊ के लिए। कड़ी सुरक्षा के बीच हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है आज और उसी को देखते हुए पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। कोर्ट ने प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों को तलब किया है। सुनवाई को देखते हुए पीड़ित परिवार भी कोर्ट में ही मौजूद रहेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार लखनऊ से रवाना हो चुका है और आपको यह भी बता दें कि 2:30 बजे वक्त रखा गया है जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर से हम आपको ये अपडेट कर रहे हैं हाथरस केस को लेकर। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है हाथरस मामले में। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में यह अहम सुनवाई आज होगी। 2:30 बजे वक्त बताया जा रहा है और इसी को देखते हुए कोर्ट ने प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों को तलब भी किया है। पीड़ित परिवार भी कोर्ट में ही मौजूद रहेगा। फिलहाल लखनऊ के लिए रवाना भी हो चुका है पीड़ित परिवार। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 2:30 बजे वक्त रखा गया है सुनवाई का हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में। दरअसल यह सुनवाई होगी। कोर्ट ने प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों को इसको देखते हुए तलब किया है और बड़ा अपडेट यह भी कि लखनऊ के लिए फिलहाल पीड़ित परिवार रवाना हो चुका है कड़ी सुरक्षा के बीच, क्योंकि पीड़ित परिवार कोर्ट में ही मौजूद रहेगा। 2:30 बजे वक्त रखा गया है। भाभी है, पिता है और माँ है, इस गाड़ी में है और इसके पीछे भी प्रशासन की और भी गाड़ियां हैं। पूरा काफिला निकल चुका है। सुबह सवेरे 6 बजे का वक्त है। हाई कोर्ट की जो बेंच है उसे ये यहाँ पर जानना है कि इस परिवार। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इस मामले की सुनवाई होगी, जिसको देखते हुए पीड़ित परिवार रवाना हो चुका है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। हाथरस के DMSP को भी हाईकोर्ट की तरफ से तलब किया गया है और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज हाथरस केस की सुनवाई होनी है। अब उसी को देखते हुए आपको ये बता दें, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं हाईकोर्ट में जिस तरह से आज सुनवाई है। पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हो चुका है। ये बड़ा मामला आप तक, जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है इस मामले को देखते हुए, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इस मामले की सुनवाई होगी, जिसको देखते हुए पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है कड़ी सुरक्षा के बीच। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। कि
उसकी जांच कर रही है, उसकी सुनवाई कर रही है और लिहाजा आज इस वक्त निकलना इनका तय था। कल पूरे दिन इसी बात की उहापोह लगातार मची रही कि आखिर कब प्रशासन वो इंतजाम करता है सुरक्षा के, जिसके चलते ये परिवार यहाँ से लखनऊ तक जा सके। और जब देर होने लगी तब परिवार वालों ने मना कर दिया कि उन्हें रात में डर लगता है, इस तरह से चलने में उन्हें अपनी जान का खतरा हो सकता है, लिहाजा उन्होंने जाने से मना कर दिया। तस्वीरें उस तरफ हम दिखा रहे हैं, तमाम गाड़ियां हैं, प्रशासन की गाड़ियां यहां पर काफ़ी सारी हैं। हालांकि वो काफिला निकल चुका है जिसमें वो परिवार इस वक्त बैठा हुआ है। दोपहर तकरीबन 2 बजे लखनऊ में वो सुनवाई होगी। 6 घंटे का सफ़र है, यानी 12:30 के करीब करीब तक ये परिवार लखनऊ पहुँच जाएगा और उसके बाद कोर्ट के सामने ये परिवार होगा, अपनी आप बीती रखेगा, अपने साथ जो कुछ भी नाइंसाफी हुई है उसको सामने रखेगा, बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, पीड़िता के साथ जो कुछ भी घटना घटी उस बारे में परिवार जो कुछ भी जानता है सिलसिलेवार रखना चाहेगा। और उसके साथ ही ये भी बताएगा कि कब कब वो पुलिस के पास गए, इन्होंने पुलिस से क्या क्या दरख्वास्त की, पुलिस ने उस दरख्वास्त पर क्या क्रिया या क्या प्रतिक्रिया उस वक्त दी, वो तमाम चीज़ें हाईकोर्ट के सामने होंगी। और उस दौरान हो सकता है ये कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, क्योंकि उनको भी कोर्ट ने तलब किया है, उनकी तरफ से इस मामले में जो भी जांच की गई है, जो कुछ भी पुलिस ने जांच की या जो कुछ भी SIT ने जांच की, ये इस बात की पूरी उम्मीद है कि उसे भी ये परिवार या प्रशासन कोर्ट के सामने रखे, उस दौरान परिवार भी मौजूद होगा, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हाई कोर्ट की वो बेंच समझ पाएगी कि इस पूरे मामले में कोताही बरती गई तो कहाँ बरती गई, किस तरह की समस्या आई और किसके चलते आज ये मामला इतना ज़्यादा सुर्खियों में आ गया। जो उम्मीद की जा सकती थी पुलिस इस मामले को पहले ही बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकती थी, क्यों नहीं कर पाई, ये भी तमाम सवाल होंगे। क्यों नहीं उस पर ध्यान वक्त रहते दे दिया गया। और यहाँ पर केस की जो अब तक की प्रगति हुई है, और ख़ास बात ये कि CBI जो कि कल ही रात हाथरस पहुँच चुकी है, वो अब किस तरह से आगे अपनी जांच यहाँ पर शुरू करेगी। अगर हाईकोर्ट इस चीज़ को देख रहा है तो CBI को भी अपनी आख्या अपनी विवेचना कोर्ट के सामने देनी होगी और बताना पड़ेगा कि उनकी जाँच किस तरह से चल रही है। तो एक अहम पड़ाव है हाथरस कांड, भूलगढ़ी गांव के इस कांड को लेकर, और अब ये यहां पर साफ है कि अब ये परिवार आज दोपहर 2 बजे कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने पेश होगा, जहां पर बहुत कुछ चीजें अदालत के भीतर साफ हो सकती हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, भूलगढ़ी गांव, हाथरस। का दिन बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इस मामले में आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है और उसी को देखते हुए पीड़ित परिवार भी कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हो चुका है लखनऊ के लिए। हालांकि आपको यह भी बता दें कि दरअसल जिस तरह से पीड़ित परिवार रवाना हुआ है लखनऊ के लिए, उसी बीच कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार को लखनऊ के लिए रवाना किया गया है। अब ऐसे में आज जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो उसको देखते हुए बड़ी बात यह भी है कि क्या कुछ दलीलें यहां पर पीड़ित परिवार की तरफ से रखी जाती है, क्या कुछ पक्ष पीड़ित परिवार का रहता है। लेकिन आज का दिन काफी अहम हो जाता है हाथरस मामले को लेकर। आज ये जिस तरह से सुनवाई हो रही है लखनऊ बेंच में हाईकोर्ट की, उसको देखते हुए पीड़ित परिवार रवाना हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने अधिकारियों को भी इस मामले को देखते हुए तलब किया है। लगातार अब इस मामले की जो जांच है वो खुद CBI करेगी, लेकिन ऐसे में आज हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हो रही है। परिवार और प्रशासन की कोर्ट में पेशी है आज, क्योंकि पुलिस पर भी बहुत सारे आरोप लगे, उसको देखते हुए भी आज का दिन काफी अहम हो जाता है और अधिकारियों से भी उसको देखते हुए सवाल जवाब भी किए जाएंगे। उधर हाथरस केस की जांच में CBI की टीम जुट गई है। रविवार को CBI की 3 सदस्य एक टीम हाथरस पहुंची। टीम ने केस से जुड़े सभी दस्तावेज हाथरस पुलिस से ले लिए हैं। सोमवार को CBI की टीम के कुछ और लोग घटना वाले गांव भूलगढ़ी जाएंगे। टीम के साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट भी जा सकते हैं। CBI ने इस मामले की जांच गाजियाबाद CBI यूनिट में तैनात DSP सीमा पाहुजा को सौंपी है। चौदह तारीख को हुई घटना के बाद 19 तारीख को और 22 तारीख को बयान, यानी 376D में मामला दर्ज होने के बाद में SIT की टीम ने जांच की और मुख्यमंत्री के द्वारा 4 तारीख को सिफारिश की गई थी CBI जांच के लिए। CBI ने अपने हैंडओवर टेक ले लिया है और CBI की टीम हाथरस आ चुकी है।
पुलिस अधीक्षक को एक लेटर देके उन्होंने कागज की मांग भी की है। आज शाम सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और कल दस्तावेज लेकर जांच भी शुरू कर देगी। पीएन शर्मा, इंडिया न्यूज, हाथरस। पूरा सच हाथरस का सामने आएगा, यही उम्मीद की जा रही है। तो सीबीआई की तरफ से हाथरस केस की जांच शुरू कर दी गई है। केस से जुड़े सभी जो पेपर्स थे वो पुलिस से लिए गए हैं, रिपोर्ट्स पुलिस से ली गई है, सीबीआई ने शुरू कर दी है अब इस मामले को देखते हुए अपनी पूरी जांच। और अब उम्मीद की जा रही है कि जो एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं इस मामले को देखते हुए, ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हुआ, क्योंकि आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और उसी को देखते हुए पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार को लखनऊ लेकर जाया जा रहा है। हालांकि रात में पीड़ित परिवार की तरफ से मना कर दिया गया था जाने के लिए, लेकिन सुबह लगभग 6 बजे पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल की तैनाती है और उसी बीच पीड़ित परिवार को लखनऊ लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरें हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। देर रात दरअसल पीड़ित परिवार ने मना कर दिया था कि वो नहीं जाएंगे लखनऊ, लेकिन अब जब सुबह पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हुआ कड़ी सुरक्षा के बीच उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है और इसी बीच भारी पुलिस बल की तैनाती भी है, क्योंकि आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और उसी को देखते हुए पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी हाथरस मामले को देखते हुए और उसी को देखते हुए पीड़ित परिवार क्या कुछ पक्ष अपना रखता है हाईकोर्ट में, यह भी बहुत अहम हो जाता है। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट ये है कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हुआ है और काफी पुलिस कर्मी भी वहां पर है। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार को लखनऊ लेकर जाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले की। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी जिसके लिए लखनऊ पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो गया है। परिवार और प्रशासन की कोर्ट में पेशी होगी जिसके बाद सवाल जवाब किए जाएंगे और उसको देखते हुए प्रशासन अपना क्या रुख रखता है और पीड़ित परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए गए प्रशासन पर भी उसको देखते हुए पीड़ित परिवार क्या कुछ अपना पक्ष रखता है कोर्ट में, यह भी बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि आज का दिन काफी अहम हो जाता है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज इस मामले की सुनवाई होनी है और जिसको देखते हुए पीड़ित परिवार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो लखनऊ के लिए रवाना हुआ सुबह। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक ये पहुंचा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ के लिए रवाना हुआ है पीड़ित परिवार क्योंकि आज सुनवाई होनी है इस मामले को देखते हुए और इसी बीच ये तस्वीरें आपकी जो स्क्रीन पर है आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार को लखनऊ लेकर जाया जा रहा है क्योंकि पुलिस पर जो आरोप लगे हैं उसको देखते हुए आज थोड़ी तस्वीर शायद साफ हो जाएगी क्योंकि जब सवाल जवाब होंगे तो पीड़ित परिवार क्या कुछ पक्ष रखता है उसको देखते हुए, क्योंकि कई आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से भी प्रशासन पर लगाए गए हैं। अब ऐसे में आज प्रशासन भी अपने जवाब रखेगा कोर्ट के अंदर और उसके साथ साथ पीड़ित परिवार भी अपना पक्ष रखेगा। जो भी पीड़ित परिवार के आरोप हैं उनको देखते हुए पीड़ित परिवार अपना पक्ष रखेगा कोर्ट के अंदर और उसके बाद कोर्ट का क्या रुख रहता है इस मामले को लेकर, यह भी बड़ी बात होगी। लेकिन आज का दिन काफी अहम है हाथरस मामले को देखते हुए क्योंकि आज इलाहाबाद की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो होनी है जिसको देखते हुए पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना भी हो चुका है।